दोस्तों रिव्यू टाइम है ये, यहाँ पर हम लोग स्टॉक्स के रिव्यू करेंगे, फंडामेंटल्स पर भी बात नहीं करेंगे हम लोग। देखिए द रीज़न कि जिस वक्त मार्केट में अनसर्टेनिटी का दौर होता है उस वक्त फंडामेंटल्स काम नहीं करते, उस वक्त सेंटिमेंट्स काम करते हैं। और सेंटिमेंट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इसको अगर आपको जानना है, एनालाइज करना है, तो टेक्निकल चार्ट्स एक सबसे बेहतर तरीका होता है ये जानने का कि किसी भी काउंटर के सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसका बहुत सीधा सा एग्जांपल, यस्टरडे मैंने यस बैंक के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था एंड एट दैट टाइम मैंने आप सभी को बोला भी था कि यस बैंक 150 रुपये तक जा सकता है, और अगर 150 के नीचे की क्लोजिंग आ गई देन 130 विल बी द नेक्स्ट पॉसिबल लेवल इन द यस बैंक। इन ए सिंगल डे, जस्ट इन अ सिंगल डे, यस बैंक ने आज 147.7 का लेवल टच किया। हालांकि उसके बाद एक रिकवरी भी आई, बट अल्टीमेटली जो हमने सोचा था, जो हमारे चार्ट इंडिकेशन दे रहे थे, वो बता रहे थे कि ये बैंक 150 रुपये के लेवल तक जाएगा, और ऐसा ही हुआ। स्टिल अभी भी आप उसको बुलिशनेस नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक यस बैंक 175 रुपये के ऊपर, 175 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता वीकली चार्ट पे, तब तक यस बैंक वीक बना रहेगा। और हो सकता है कि 130 ना जाए, लेकिन 150 के दायरे के आसपास ट्रेड कर सकता है कुछ और समय तक। लेकिन याद रखिएगा, अगर 150 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे 130 रुपये का लेवल का। कुछ लोगों का कहना है कि यस बैंक इज़ ए गुड बैंक और अगले 1 से 1.5 साल में 280 से 300 रुपये का टारगेट आएगा। आई एग्री, मैं उन सभी लोगों से एग्री कर रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर टारगेट आपको 300 तक मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो चुके हैं। और जिस वक्त सेंटिमेंटल बात होती है उस वक्त फंडामेंटल्स काम नहीं करते। 1 फरवरी 2019 नए एमडी और सीईओ का चुनाव होना है। एक बार नए एमडी और सीईओ आएंगे, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, देन उसके बाद जो सेंटिमेंटल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद बैंक अपना बॉटम बेस बनाने के बाद एक नए इस तरह से शुरुआत करेगा, जैसा कि हमने एक्सिस बैंक के अंदर देखा, जिस तरह से नए सीईओ के आने के बाद एक्सिस बैंक में एक रिकवरी आई, एक अच्छी तेजी आई। तो सेम, क्योंकि सेंटिमेंट चेंज होते हैं, तो जब मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा यस बैंक के अंदर 1 फरवरी के बाद, तो यस बैंक में भी जो इस वक्त नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और स्टॉक वापस अपना बॉटम फॉर्मेशन करके पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ चलना शुरू कर देगा, और उसके लिए 12 से 18 महीने लगभग लगने हैं दोस्तों। खैर, आज हम 3 स्टॉक की बात कर रहे हैं, 50 रुपीज से नीचे के तीनों ही काउंटर्स हैं, और इनमें लेट्स सी, देखते हैं कि क्या इन काउंटर्स में हमें होल्ड करना है, सेल आउट करना है, या फिर आपको इस काउंटर में पोजीशन को एवरेजिंग डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 काउंटर्स के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लेबल्स को नोट कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली आप लोग स्टॉप लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर देते हैं। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप क्या करते हैं, वापस नया स्टॉप लॉस लगा देते हैं। दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस, बिकॉज एक अच्छा स्टॉप लॉस टूटने के बाद स्टॉक में वीकनेस आती है, तो बेटर है कि आप लोग एग्जिट कीजिए एंड लोअर लेवल पर पोजिशन को क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, और एक बड़ा स्टॉप लॉस जब टूटता है तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल वीकनेस आ गई काउंटर के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल वीकनेस आने का मतलब होता है कि अब उसमें रिकवरी बहुत देर में होगी, मतलब इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत बड़ी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो चलिए 3 काउंटर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अगर मैं पहले काउंटर की बात करता हूँ दोस्तों, तो पहला काउंटर है GHS वैनगार्ड, बेसिकली पर्सनल केयर सेक्टर का ये काउंटर है, और बहुत सारी कंपनीज के लिए ये काम करता है, डाबर, एमवे एंड अदर जो FMCG सेक्टर्स की कंपनीज हैं उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी, एंड इनके इसके बारे में डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, बट नाउ अब मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ वीकनेस नज़र आ रही है। ऑलरेडी इसने हमारे बताए हुए जो पहले हमने जब स्टॉक आपको बताया था उस वक्त के जो सपोर्ट्स थे वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं, जिन लोगों ने उन सपोर्ट्स को फॉलो किया उनकी पोजीशन सेव हो गई और वो छोटे लॉस के साथ निकल गए, बट जिन लोगों ने हमारे बताए हुए स्टॉप लॉसेस को इग्नोर कर दिया था उस वक्त और नहीं एग्जिट पोजीशन बनाई, उन लोगों के लिए आज हम फिर से एक बार रिव्यू कर रहे हैं, बताएंगे कि क्या इस काउंटर के अंदर आप अभी रोक सकते हैं या अभी और गिरावट का संभावना इस काउंटर में बन रही है। खैर,
सबसे पहले जीएचएस सुवेनगार्ड का हम लोग चार्ट देखेंगे। स्टॉक लगभग 26 रुपीज़ 10 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है अगर मंथली चार्ट को भी देखूँ तो आप देखेंगे यहाँ से एक काउंटर में एक ऊपर की तरफ को मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी कंप्लीट मूवमेंट तैयार नहीं हुआ है। और इसके लिए अगर हम मंथली चार्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मंथली चार्ट में आप देख सकते होंगे ये जो लेवल है, ये जो यहाँ पर एक जो सपोर्ट मेंटेन किया है, सॉरी रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को तकरीबन 31 मार्च 2016 के आसपास ब्रेक करके काउंटर ऊपर गया था। अब वहीं पर दोबारा से आके ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, एक ये सपोर्ट लेवल बन रहा है और एक आपको यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 30 जून 2008 को। तो ये आप देखेंगे ये दो सपोर्ट लेवल है, इसको जब इसने यहाँ से तोड़ा था तो काउंटर नीचे गया था वापस 10 या 11 रुपये के आसपास, और अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब ऊपर गया है तो अगर वापस इस सपोर्ट को तोड़ता है देन काउंटर अगेन 10 रुपीज़ के आसपास आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो अब आप यहाँ पर एक इसको एग्जिट स्टॉप लॉस बनाकर चलिएगा कि 25 रुपीज़, अगर काउंटर 25 रुपीज़ के नीचे मंथली क्लोजिंग दे देता है देन आप डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको 10 रुपये के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर वीकली बात करता हूँ तो दोस्तों देखिए वीकली में भी मुझे लगता है कि यहाँ से काउंटर में कुछ तेज़ी की उम्मीद मुझे नज़र आ रही है, हल्का सा कुछ रिवर्सल आ सकता है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक या दो दिन के मोमेंट को हम लोग मीज़र नहीं करते, जो पोजीशंस काफ़ी बिगड़ चुकी होती हैं उनमें जनरली हमारा जो गाइडेंस रहता है वो हमेशा यही रहता है कि आप लगभग हफ्ते की क्लोजिंग देखिए, मतलब वीकली क्लोजिंग को चेक कीजिएगा, और अगर वीकली क्लोजिंग लगभग 24-25 के नीचे चली जाती है और मंथली क्लोजिंग अगर 25 के नीचे की चली जाती है तो इस काउंटर में आप लोग एग्जिट करेंगे, क्योंकि इस काउंटर में मुझे एक बड़ा गैप भी नज़र आ रहा है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि काउंटर इतना करेक्ट हो चुका टॉप लेवल से तो अब गैप को फिल करने का की संभावना पूरी है। ये गैप आप देख रहे होंगे, ये एक गैप है जो कि 24 दिसंबर 2014 और 11 दिसंबर 2015 ठीक है, ये इन दो कैंडिडेट्स के बीच में बना था 2014 एंड यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं, जस्ट अ मोमेंट, या डेली चार्ट पे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, वहाँ पर आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी डेली में। यहाँ पर आप देखिएगा, हालांकि ये 24 दिसंबर की कैंडल है, उसके बाद जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई इसमें वो 10 दिसंबर 2015 बीच का टाइम जो था, आई थिंक या तो ट्रेडिंग हॉल्ट रही इसमें या इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई, और स्टॉक ने जो ओपन करना जो स्टार्ट हुआ अगेन ओपनिंग को 13 रुपीज़ से हुई, यानी कि 10 रुपीज़ से 13 रुपीज़ के बीच में एक गैप है। और अब चूँकि काउंटर ने काफ़ी लो लेवल दिखा दिया है हमें एट प्रेजेंट, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर काउंटर में रिवर्सल आता है देन ओके, अगर काउंटर 25 रुपये के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा लगभग 18 रुपीज़ के आसपास इस काउंटर के अंदर जीएचएस में, और 18 रुपीज़ के बाद सीधे 10 रुपीज़ नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा जीएचएस में। फिलहाल फंडामेंटल वीकनेस भी मुझे नज़र आती है इस काउंटर के अंदर, तो मैं आपसे यही कहूँगा 25 रुपीज़ का एग्जिट स्टॉप लॉस बना के रुकिएगा इस काउंटर के अंदर। 25 के नीचे की क्लोजिंग आती है वीकली या मंथली चार्ट पे, आप लोग इस काउंटर से एग्जिट कर जाइएगा, आपको 10 से लेके 12 तक का लेवल फिर मिल सकता है, हालांकि इन बिटवीन 18 भी एक छोटा सा सपोर्ट वहां पर रहेगा। तो ये जीएचएस सुवेनगार्ड की बात की हमने। एचवीएल पावर इज अ गुड काउंटर है, ये बैटरीज बनाता है ऑटो एनसीडी, हालांकि इस वक्त ऑटो एनसीडी सेक्टर काफ़ी वीक है, और इसका जो आप समझ सकते हैं इनके जो पीयर कंपनी है लाइक एक्साइड भी ऑटो एनसीडी सेक्टर में बैटरीज बनाती है। सो एचवीएल पावर का भी आगे आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर मुझे लगता है, जिस तरह से बैटरी सेगमेंट बूस्टअप कर रही है, और यू नो जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय आ रहा है तो वहाँ पर जो बैटरी मेकिंग फॉर्म है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके लिए समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो एचवीएल पावर में आपसे कहूँगा कि इसमें आपको पोजीशन को रोक सकते हैं, फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं लगता मुझे, हालांकि सितंबर हाफ अर्ली के जो नंबर्स आए उसमें कुछ बॉटम लाइन में कुछ गिरावट हमें देखने को मिली है, गिरावट आई है, बट स्टिल मुझे बिलीव है कि ये काउंटर में रिकवरी आनी चाहिए। और इस काउंटर का जो मैं आपको मेजर सपोर्ट लेवल बता देता हूँ वो तकरीबन जो रहेगा वो 25 रुपीज़ का सेम काउंटर में भी रहेगा, लगभग 24-25 के आसपास इस काउंटर में भी सपोर्टेबल रहेगा, हालांकि काफ़ी कुछ करेक्शन आ चुका है इस काउंटर के अंदर, लेकिन अगर 24 का लेवल टूटा तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनाएगा ये काउंटर लगभग 19 रुपीज़ 50 पैसा के आसपास बनाएगा। तो 19 रुपीज़ 50 पैसा या 20 रुपीज़ के आसपास अगर ये काउंटर मिलता तो आप वहाँ पर एवरेज डाउन कर सकते हैं। जीएचएस में मैंने आपको एवरेज डाउन करने के लिए नहीं बोला, एचबीएल पावर में आप 19 से 20 के बीच में एवरेज डाउन कर सकते हैं अगर आप स्टॉक को अगले 3 से 5 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ऑटो एंसिलरी सेक्टर में जो बैटरी सेगमेंट है अगले 5 साल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं,
और अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप ऐसे काउंटर्स को मत छोड़िए जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हैं। सो फिलहाल मुझे HBL का स्कोप अच्छा नज़र आता है आने वाले समय में। मार्केट सेंटिमेंट वीक है, स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत तगड़ी गिरावट्स रही हैं पिछले एक साल के अंदर, और यही कारण है कि HBL भी गिरा है। और यहाँ पर आप देखेंगे मंथली में लोअर हाई बन रहे थे, बट यहाँ पर आकर उसने लोअर लो बनाना बंद कर दिया है और 26-25 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। सो दिस विल बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिवर्सल में कम इन द HBL पावर। सो अगर आपकी पोजीशन लंबी समय के लिए है तो आप लोग HBL में बने रहिएगा। गिरावट में अगर 22-23 रुपये का लेवल आता है तो आप लोग एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। सो ये HBL पावर के बारे में हमारी राय थी। इसके अलावा HBL पावर एंड देन नेक्स्ट आता है ग्रोर एंड बेल। दोस्तों ग्रोर एंड बेल जो सेगमेंट है, सेक्टर है, स्टॉक है, ये भी काफ़ी अच्छा फंडामेंटल इस काउंटर के हैं। और ये बेसिकली केमिकल एंड स्पेशलिटी सेक्टर का काउंटर है, और हम सभी को पता है कि जितने भी केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल, स्पेशलिटी सेक्टर के शेयर्स हैं वो सभी क्रूड की वजह से काफ़ी गिरावट देख चुके हैं, और यही कुछ ग्रोर एंड बेल के साथ भी है। बट धीरे धीरे क्रूड नीचे की तरफ आ रहा है और ये इसके इम्पैक्ट आपको दिसंबर रिजल्ट्स में और मार्च रिजल्ट्स में पता चलेंगे। सो ग्रोर एंड वेल में भी मुझे लगता है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी बेहतर है, म्यूचुअल फंड्स का भी निवेश है, FIIs का भी निवेश है, QFIs का भी निवेश है, एंड जो फंडामेंटल्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर है। हाफली नंबर्स जो आए सितंबर हाफली वो भी काफ़ी बेहतर है काउंटर के। सो ओवरऑल ग्रोर एंड वेल में भी मैं आप सभी को होल्डिंग की सलाह दूंगा। गिरावट पर आप लोग इस काउंटर में भी एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। एंड मंथली चार्ट पे अगर मैं बात करता हूँ, इस काउंटर का जो बड़ा सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 49 रुपीज़ का, यानी कि अभी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है ये काउंटर। और यहाँ से हालांकि कल लास्ट डे ऑफ मंथ है नवंबर का, तो उम्मीद करते हैं कि काउंटर 49 रुपीज़ से ऊपर ही ट्रेड करेगा कल एंड ऑफ द डे तक, और उसके बाद दिसंबर स्टार्टिंग से ये अपने मोमेंट को ऊपर की डायरेक्शन में स्लोली स्लोली चलना शुरू कर देगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा। बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अपने पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। सो ग्रोर एंड वेल इज ऑल्सो ए गुड काउंटर। सो मैं यही कहूँगा ग्रोर एंड वेल में भी आप लोग अपनी पोजीशन को बना के रखिए। कुछ क्वांटिटी अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो एट प्रेजेंट रेट इज़ ए गुड, अच्छा सपोर्ट है मंथली चार्ट पर, आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा वीकली चार्ट में बता दूँ, ये कुछ करेक्शन की संभावना है वीकली। सो दोस्त लगभग 44 का लेवल अगर आता है वीकली चार्ट में शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, देन आपको एक बहुत अच्छा लेवल मिलेगा 44 का, जहाँ पर आप स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। 44 अगर वीकली चार्ट पर टूटा देन 38 लेवल विल कम। सो ये ग्रोर एंड वेल में भी छोटी अवधि में आपको कुछ गिरावट या कुछ हो सकता है करेक्शन देखने को और मिल जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज अभी केमिकल सेक्टर में रिवाइवल स्टार्ट नहीं हुआ है, रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई है। हो सकता है कुछ और दिन ये काउंटर आपको कुछ पैनिक सिचुएशन फेस कराए। सो अगर 43-44 का लेवल आता है ग्रोर एंड वेल में, देन डेफिनेटली आप वहाँ पर पोजिशन को और इंक्रीज करेंगे और एवरेजिंग डाउन करेंगे। सो ये तीन काउंटर की बात की हमने रिव्यू में। GHS मुझे लगता है 25 का एग्जिट स्टॉप लॉस बना के रखिएगा, उसके बाद आपको काउंटर बहुत नीचे दिखाई दे सकता है। 18 जरूर एक छोटा सपोर्ट मिलेगा आपको इन बिटवीन, बट अगर 18 भी टूट गया देन डेफिनेटली 10 या 11 रुपये का लेवल हमें GHS में मिलेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है GHS में, GHS वेनगार्ड में, देन वेरी गुड, लेकिन वो रिवर्सल आपका तभी हमें देखने को मिलेगा, उम्मीद करते हैं, अगर दिसंबर क्वार्टर नंबर जो है वो बेहतर आ जाते हैं पिछले क्वार्टर्स के नंबर के मुकाबले। HBL पावर इज़ अ गुड काउंटर, बैटरी सेगमेंट का, ऑटो एंड सिटी सेक्टर का काउंटर है। आप इस काउंटर में भी गिरावट में एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं, होल्ड करना पड़ेगा आपको लगभग 12 से 24 महीने इस काउंटर को। स्मॉल कैप में एक बुलिशनेस का वेट करना पड़ेगा, मार्केट के बुलिशनेस का वेट करना पड़ेगा, वंस द मार्केट विल स्टार्ट द बुलिशनेस, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर जा रहा, बट एट प्रेजेंट मार्केट इज़ नॉट द बुलिश। मार्केट बुलिश होगा जब अपना प्रीवियस हाई 11,700 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बंद होगा, then only the market will be in the bullish mode. Until then, market में ups and downs चलेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, and stocks भी ups and downs में चलते रहेंगे, trading zone में चलेंगे। So HBL पावर में भी हर गिरावट पर आप लोग कुछ averaging down कर सकते हैं, long term को रखना पड़ेगा, आपको profit मिलेगा। ग्रोर एंड वेल अच्छा काउंटर, केमिकल सेक्टर का strong fundamentals हैं, आप काउंटर को हर गिरावट पर खरीदिएगा। अगर आपको 43-44 के levels भी इस काउंटर के अंदर मिलते हैं आने वाले समय में, तो वो आपको averaging down करने के लिए बेहतर levels होंगे। सो ये तीन काउंटर्स के बारे में हमने बात की, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों ही काउंटर्स पसंद आएंगे, आप इनमें सही समय पर सही रणनीति के साथ प्रॉपर एक्शन लेंगे। बट एक बार मैं फिर से कहूँगा दोस्तों,
कि हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, आपके साथ हम बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी एक्शन को लेने से पहले प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाएंगे, प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि आप अपने से सबसे ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं। दूसरा, इतना ईमानदार भले ही ना हो लेकिन खुद आप अपने आप से बेईमानी नहीं करेंगे। सो बी केयरफुल और अपनी एनालिसिस कीजिएगा, अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, एंड उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी पोजीशन को चाहे तो एवरेज कीजिएगा या फिर कट कीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ और स्टॉक्स के रिव्यू करेंगे हम लोग, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।